हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए ले रही हूँ HCS का एक पेपर। फुल लेंथ टेस्ट है ये, जिसका यहाँ पर मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगी, पेपर डिस्कस करूंगी। हिंदी का पेपर है ये, पेपर कोड है हमारा 3804, और जो हम सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं ये उनमें से एक है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि HCS 2021 के लिए हमारा जो नया बैच है ये वो डेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू बैच की तिथि। ओके, आप में से जितने भी लोग हैं जो ये टेस्ट्स करना चाहते हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीडियोस, पीडीएफ्स, बुक्स, वो सारी चीजें जो चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंस के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है उनके टेस्ट करके इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो आप सब लोग बिना समय गवाए इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए जो वेबसाइट देखिए यहाँ पर आपको दी गई है, baljeetdhaka.com, यहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, तो भी आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके 9817390373 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट में क्या है कि आपके सिलेबस का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो कवर किया जाता है। जैसे ये हिंदी का सेक्शनल टेस्ट है, तो इसमें विलोम शब्द, वर्तनी सही करें, युगम शब्द, मुहावरों से वाक्य बनाओ और संधि विच्छेद, ये 5 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और हर एक स्टूडेंट को उसका फीडबैक दिया गया है कि उसका कौन सा सेक्शन है जो कमजोर है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये वाला सेक्शन, युगम शब्द और वर्तनी सही करें, इस सेक्शन में स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा मार्क्स गवाए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपके ये सेक्शन जो है ये स्ट्रांग हो, कोई दूसरा कमजोर हो। सेक्शनल टेस्ट का पर्पस ही ये है कि आप जान सकें कि वो कौन सा एरिया है जहां पर आपके नंबर कटने की संभावना है, तो आप उसको स्ट्रांग कर सकें। यहां पर इस वीडियो में मैं मुहावरों से वाक्य बनाओ वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। देखो क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंक आपको कितने दिए गए हैं, 25, यानी कि टोटल जो है आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए थे, उनमें से जो 10 हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। आप देखो आपको भी कितना आता है, साथ ही मैं वीडियो के दौरान कुछ और मुहावरे आपसे पूछूंगी, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उनसे एक ऐसा सेंटेंस जो है आप बनाइए ताकि जो है उसका मीनिंग उभर कर आए। आपको दिया गया है गागर में सागर भरना, चांदी का जूता, आनन फानन में कटी पतंग होना, 99 के फेर में पढ़ना, मुंह चुराना, गाल बजाना, इधर की दुनिया उधर होना, घर बैठे गंगा आना और पानी पानी होना। ये है हमारे फर्स्ट 10। सारे के सारे आसान नहीं होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ एवरेज होंगे। गागर में सागर भरना आसान है, आनन फानन में आसान है, कटी पतंग होना आसान है, मुंह चुराना बहुत आसान है, दुनिया इधर की इधर होना ये बहुत आसान है, पानी पानी होना, घर बैठे गंगा होना आना, ये सब आसान है। देखते हैं स्टूडेंट्स ने वाक्य कैसे बनाए हैं। देखो ओके, अब पहला जो था वो था गागर में सागर, तो थोड़े में ज्यादा करना बिल्कुल सही है। गागर क्या होती है, गागर आपकी मटकी होती है, वो आपने सुना होगा ना, अदजल गगरी छलकत जाए, एक वो भी सुना है आपने, चलिए उसका मीनिंग बताइए मुझे। तो यहाँ पर है उसने अपने थोड़े समय के भाषण में ही गागर में सागर भर दिया, बिल्कुल सही है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। अब देखो गागर में सागर, जितने भी रहीम के दोहे हैं वो सारे गागर में सागर ही तो हैं, थोड़े से दो लाइनों में ही जो है वो कितना कुछ कह जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, इस तरह के। अगला है हमारा जो नेक्स्ट वाला था, वो आपको क्या दिया गया था, वो आपको दिया गया है मुंह चुराना। मुंह चुराना होता है सामना करने से कतराना, डरना, आप किसी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। झूठा व्यक्ति हमेशा मुंह चुराता है, बिल्कुल सही, झूठा व्यक्ति हमेशा मुंह चुराता है। जब पिताजी ने मुझे बाजार में सिगरेट पीते हुए देखा तो फिर मैं उनसे मुंह चुराने लगा, ऑब्वियसली कौन सा मुंह लेकर आप उनके सामने जाएंगे। ये होता है जब आप किसी से उधार ले लेते हैं और वो बार बार आ रहा है आपके घर पैसे वापस मांगने और आपके पास नहीं है, तो मुंह चुराते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 3, चांदी का जूता। चांदी का जूता देखो यहाँ पर, अत्यधिक अमीर होना, पैसे होना आपके पास, सफलता के कारण उसके जूते भी चांदी के हो गए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, मीनिंग उभर कर नहीं आया है। ओके अगला देखो नंबर 4 में आपको दिया गया है गाल बजाना। गाल बजाना होता है बहुत ज्यादा बातें करना जिनमें कोई सब्सटेंस ना हो, आत्म प्रशंसा करना, वह आजकल अपने ही गाल बजाता रहता है। नेक्स्ट है हमारा आनन फानन में। आनन
फानन में होता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। बहुत सारे जगहों पर जो है आनन फानन में लॉकडाउन खोल दिया गया कोविड के बाद, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बुरी हालत में चली गई थी, ऐसा सेंटेंस हो सकता था। तो इन्होंने आनन फानन में क्या बनाया है, आनन फानन में मंत्री जी के आने का प्रबंध किया गया। जब मंत्री जी आ रहे थे तो आनन फानन में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया गया, ये सेंटेंस है। अगला देखिए, इधर की दुनिया उधर होना, सब बदल जाना, नौकरी लगने से उसकी इधर की दुनिया उधर हो गई, इस तरह से उन्होंने बनाया है। फिर है कटी पतंग होना, कटी पतंग होना का मतलब होता है बिना किसी के कंट्रोल में होना, एक तरह से इसका मीनिंग ये भी होता है कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, असफलता के कारण उसका जीवन कटी पतंग सा हो गया है, इन्होंने ये सेंटेंस बनाया कि वाक्य बहुत अच्छे नहीं है। तभी यहां पर दिया गया है अर्थ बेहतर तरीके से लिखें, वाक्य जो है उससे आपका मीनिंग क्लियर हो। घर बैठे गंगा आना, बिना किसी प्रयत्न के काम सिद्ध हो जाना, यस, घर बैठे, आप घर बैठे गंगा आ गई, वरना हर कोई गंगा नहाने जाता है। रिश्ता मिलने पर वह घर बैठे ही गंगा के आने जैसा अनुभव कर रहा था। रमेश को अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलने पर वह घर बैठे ही गंगा के आने जैसा अनुभव कर रहा था। ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। आगे है 99 के फेर में पड़ना, धन अर्जित करने के चक्कर में होना, आजकल वह पढ़ाई छोड़कर 99 के फेर में पड़ा हुआ है। और उसके बाद लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर क्या है, पानी पानी होना, बहुत ज्यादा लज्जित होना, ओके, चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। ये स्टूडेंट के थे, एक और स्टूडेंट का पेपर मैं शेयर कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए, उन दोनों स्टूडेंट्स के पेपर शेयर हो रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, जिससे आपको आइडिया होगा कि जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, ओके। आगे देखो, गागर में सागर कर भरना, थोड़े में बहुत कहना, मुंशी प्रेमचंद की रचना गागर में सागर भरने के समान है, वेरी नाइस सेंटेंस। मुंह चुराना, लज्जित होना। फिर है उधार वापस न देनी पड़ जाए इसलिए वह मुंह चुराए फिरता है, उधार वापस न देनी पड़ जाए, वापस उधार जो है ये उधार लेना बुरी बात है, पुलिंग है उधार। चांदी का जूता घूस देना, ये है आजकल सरकारी विभाग में बिना चांदी का जूता मारे कोई काम नहीं बनता। गाल बजाना, बकवास करना, बहुत ज्यादा बोलना, अत्यधिक बोलना, ऐसा भी इसका मीनिंग है। गाल बजाने की आदत से हम सब परेशान है। आनन फानन में जल्दबाजी में, किसी भी कार्य को आनन फानन में नहीं करना चाहिए। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा, वेरी नाइस। कटी पतंग होना, ओके, ये है निराश्रित होना, सही इन्होंने मीनिंग लिखा है। सड़क दुर्घटना में राधा ने के सारे परिवार वालों को खो दिया, अब उसका जीवन कटी पतंग सा हो गया है, नाइस सेंटेंस। घर बैठे गंगा आना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, 1 करोड़ की लॉटरी निकलते ही विकास के घर में तो घर बैठे ही गंगा आ गई। आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्टूडेंट है, दूसरे वाला स्टूडेंट, इसने वाक्य इस प्रकार से बनाए हैं कि मीनिंग बिल्कुल क्लियरली उभर कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो कि सारे परिवार वाले जब जो है वो मर गए एक्सीडेंट में, तो उसका जीवन कटी पतंग सा हो गया। अगर जब पतंग कट जाती है तो क्या वो इधर भी जाती है आकाश में, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, नीचे जितने भी बच्चे हैं किसी के भी हाथ में जाकर चली जाएगी, वही तो है। कोई ठिकाना ना होना, 99 के फेर में पड़ना, ओके, 99 के फेर में रहने वाले लोग सुखी नहीं है। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, कल मैंने उसे शराब पीते व जुआ खेलते देख लिया, अब वह पानी पानी हो रहा है, ओके। आओ अब हम देखते हैं कि इन वाक्यों से इनका मीनिंग क्या है, और इनके दौरान आपको मीनिंग बताने के दौरान, वाक्य बताने के दौरान कुछ और पूछूंगी आपसे, मुहावरे उनका आप अर्थ बताएं। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना, बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया है। मुंह चुराना, सामने ना पड़ना, उधार न चुका पाने के कारण वरुण मुंह चुराता रहता है। अगर आप HCS का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो आप अपने रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी कुछ दिनों के लिए मुंह चुराएंगे, ऐसी नौबत ना आए और आपके वारे न्यारे हो जाएं, इसलिए आप जो हैं कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कीजिए। आगे देखो, चांदी का जूता धन के बल पर या फिर रिश्वत देना, आजकल चांदी के जूते से सब काम आसान हो जाते हैं, ओके, हर जगह ही दुनिया भर में होता है ये, ओके, ये है हमारा नंबर 3। चलो अब आप मुझे इसका अर्थ बताइए,
में दम आना, दम में दम आना, जान में जान आना, इस तरह के हैं ये, दम में दम आना, ये पहला है। आप मुझे इसका अर्थ बताइए, इसे वाक्य बनाइए। फिर अगला आपको दे रही हूँ गाल बजाना। ओके, पांच पूछूंगी इस तरह से बीच बीच में, कम से कम चार का अर्थ तो भाई आपको जरूर आता हो, वरना तो सच में मुंह चुराने वाली नौबत आ जाएगी आपके लिए बाद में। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, कुछ करके दिखाओ, कोरे गाल बजाने से क्या होगा। बिल्कुल सही है। आप में से काफी लोग, मैं ऑफिसर बनूंगा, दो दिन तक चार्ज रहते हैं, रात को पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर आप चद्दर तान के सो रहे होते, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप गाल बजा रहे हैं। आनन फानन में बहुत शीघ्र, किसी भी मामले की आनन फानन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय करने के बराबर है। बिल्कुल सही, नंबर पांच हो गया हमारा, अगले पर चलते हैं। चलिए इसी बीच जो है मैं आपसे नंबर दो पूछ लेती हूँ। नंबर दो जो है हमारा वो है अपना हाथ जगन्नाथ। आपने सुना होगा ये, ओके, अपना हाथ जगन्नाथ। ओके, अगर आपने जो है ना हमारे जो कहानियां वगैरह होती हैं जगन्नाथ, ओके, इसको लिख देती हूँ एक बार मैं, हमारी जो कहानियां हैं, माइथोलॉजी है, अगर वो सब आपने थोड़ा ध्यान से सुना पड़ा है ना, तो मुश्किल नहीं होगा ये अपना हाथ जगन्नाथ। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी घटना घटित होना, उसने अपने मित्र से कह दिया कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। जब आपको इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उम्र होती है आपकी 24-25 बरस, मम्मी पापा आपको समझाते हैं बेटा देखो वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और आप जो है आप में क्या कहूं, युवा होने का जो जोश होता है, आप कहते हैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पापा शादी उसी लड़की से करूंगा, यस, चाहे मतलब अनहोनी बात भी हो जाए तो भी मैं ये करके रहूंगा। कटी पतंग होना, अनिश्चित जीवन होना, विधवा स्त्री कटी पतंग की तरह होती है, घर बैठे गंगा आना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, आप क्या आए घर बैठे गंगा आ गई, मैं तो इस समस्या को लेकर आपके पास आने वाला था, ये था हमारा नंबर तीन। चलिए आप मुझे इसका मीनिंग बताइए, सर सलामत तो पगड़ी हजार, सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये आपका नंबर तीन है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, इससे एक वाक्य बनाइए, आपको करना है। फिर 99 के फेर में पढ़ना, धन जोड़ने की चिंता में रहना, सुरेश आजकल 99 के फेर में पड़ गया है, एक एक पैसे की कंजूसी करता है। नेक्स्ट है पानी पानी होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, लज्जित होना, राम के कुकृत्यों को सुनकर उसके पिता पानी पानी हो गए। ऐसा होता है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, पड़ोसियों से शिकायतें आती हैं, तो माँ बाप तो बेचारे पानी पानी हो जाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं मैं कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। ओके, ये हमारा नंबर तीन था। नंबर चार आपसे पूछ रही हूँ, नंबर चार जो है हमारा वो है, यहाँ पर लिख रही हूँ उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना, पहचानना, एक इसका भी आप मुझे मीनिंग बताइए। और नेक्स्ट नंबर पांच जो है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जंगल में मोर नाचा नाचा किसने देखा। ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, इसे जरा लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो ये आपके पास थे। पहला वाला क्या था हमारा, दम में दम आना, उसके बाद था अपना हाथ जगन्नाथ, नंबर तीन था सर सलामत तो पगड़ी हजार, उड़ती चिड़िया पहचानना, और जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके अर्थ आते होंगे, मुझे बताइए आप जरूर। ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।